उत्तराखंड में दीपावली के दिन बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर उत्तरकाशी में बंद टनल के अंदर 30 से 35 मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तरकाशी एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द टनल खोलने के लिए कार्य किया जा रहा है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। जानकारी के अनुसार सुबह काम करते वक्त टनल धंसने लगा था। टनल के धंसने से उसके अंदर काम कर रहे तकरीबन 30 से 35 मजदूर और अन्य कर्मचारी अंदर ही फंस गए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एनएचआईडीसीएल के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड हैं। और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का, इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स हैं मशीनरी है वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसको जल्दी ख़त्म कर लिया जाएगा और सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। जो एक ऑक्सीजन पाइप जो है अंदर पहुँचा दिया गया है और ऑलरेडी ऑक्सीजन अंदर है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेफ होंगे। अभी कोई जनहानि या कैजुअल्टी कोई सूचना नहीं है।